जय माता दी, आप सबको नवरात्र के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे वही डेली की तरह मैं पूजा कर रही हूँ, पंचामृत बना लिया एंड यहाँ पे पानी में मैंने गंगा जल एंड ये अगूर है, अगूर मैंने स्प्रे कर दिया। ये मैं डेली करती हूँ, मतलब जो मंदिर है उसको स्प्रे कर देती हूँ अगूर से। मतलब हमारे घर पर अगूर से भगवान जी को नहलाया जाता है, अच्छी खुशबू आती है इससे। तो ये मैं लेके आई थी इस बार, तो स्प्रे इस बार लेके आई थी तो मैंने वही मंदिर में स्प्रे कर दिया है एंड पंचामृत से माता रानी को स्नान करा दिया है, माता रानी की मूरत को एंड देन गंगा जल से। तो बस यहाँ पे वो सब करके तिलक कर दूँगी, जो जैसे डेली में पूजा करती हूँ ना बस वही तिलक कर दूँगी एंड आराम से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत बार बताया नवरात्रों का त्यौहार मुझे बहुत पसंद है। नॉर्मल डेज पे मेरी पूजा झटपट हो जाती है, बट नवरात्रों में बहुत अच्छे से टाइम लेके धीरे धीरे करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब 2 घंटे लगा के मैं आराम से करती हूँ एंड अभी छुट्टियाँ भी चल रही है तो ज़्यादा कुछ घर पे काम भी नहीं है, तो आराम से मैं सुबह का टाइम सब लोग सो रहे होते हैं, मैं सुबह उठ के आराम से अपना मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पान, सुपारी, हल्दी एंड धूप वो सब मैंने चढ़ा लिया है, ये जो डेली जो मतलब सब चढ़ता है एंड यहाँ पे माला जो है वो भी माता रानी को पहना दिया है एंड जो भी फूल वगैरह लेके आए थे वो सब अच्छे से मैं मंदिर जो है वो सजा दूँगी अभी। एंड आप सबके नवरात्रों की पूजा कैसे जा रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, आप सब हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए। जय माता दी। तो यहाँ पे अखंड ज्योत भी मैंने अच्छे से सजा लिया है एंड अभी बस मैं मतलब भोग लगा लूँगी एंड आरती कर लूँगी। तब तक जब तक मैं आरती की तैयारी वगैरह करती हूँ तब तक जीत भी उठ जाते हैं, हनी बनी को नहला के वो भी ले आते हैं, सुबह सुबह बच्चे भी नहा लेते हैं, तो हम लोग आरती फिर साथ में मिलके कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया, अभी बस मैं आरती करूँगी। वेलकम बैक टू दी चैनल, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है नवरात्र का डे 3। तो सुबह तो पूजा होगी, तभी दोपहर का टाइम है तो मुझे थोड़ी थकावट लग रही, तो मैं पूजा के बाद मैं थोड़ी सी बैठ गई थी, तभी मैं आ गई हूँ किचन में। हनी बनी को ब्रेकफास्ट वगैरह खिला दिया, अभी लंच वो लोग करेंगे एंड यहाँ पे मैं मखाने थोड़ा सा रोस्ट करी, हल्का सा घी डाल के नमक मखाने रोस्ट करी, उसको मैं डब्बे में रख देती हूँ ऐसे थोड़ा बहुत, कभी ऐसे भूख लगे कुछ होगा तो मैं खा लेती हूँ, 2-3 खा लेती हूँ, तो वही मैं रोस्ट कर रही हूँ। एंड 2 दिन से मैंने कुछ भी व्रत वाला खाना, जो मतलब जैसे मैं बनाती हूँ सामक चावल आलू सब्जी, वो नहीं बनाया था, तो आज मैं बना रही हूँ। तो भाई भाभी को भी बुलाया, वो उन्होंने भी व्रत रखा है, तो अपना वो आरती करके घर पे इधर आ जाएंगे एंड आंटी को भी मैंने बुलाया, तन्मय देवी का एक्चुअली थाईलैंड गए हुए हैं तो आंटी अकेले घर पे हैं, उन्होंने भी व्रत रखा हुआ है, तो मैंने आंटी को भी बुलाया कि आप आ जाओ हमारे साथ ही, जो भोग लगेगा वही हम लोग डिनर कर लेंगे आज। तो ये मखाने रोस्ट कर रही हूँ, साथ में कल जो मैंने आलू करारा वाला एयर फ्रायर भी बनाया था जिसको बहुत पसंद है, तो वो मैं फिर से बना लूँगी आज। एंड थोड़े से पनीर लेके आए थे उसको भी हल्का सा घी एंड नमक में सॉटे कर लूँगी एंड सामक के चावल जो बनते हैं ना व्रत में, सामक के चावल साथ में जो व्रत वाला आलू की सब्जी वो बना लूँगी, रायता चटनी एंड फ्रूट्स वगैरह यही सब काट लेंगे। तो 2 दिन के बाद एक प्रॉपर जो एक थाली टाइप का ना वो मैं बनाऊंगी, बस मीठे में कुछ नहीं बना रही हूँ मैं, चाय सब लोग खाने के बाद चाय पीने का सबका मन करता है, तो कोई ऐसा मीठा पसंद नहीं करता है खाने में, तो मीठे में कुछ नहीं बनाऊंगी, तो बस भोग के लिए ये सब बना के माता रानी को आज शाम को वही भोग लगाएंगे एंड हम सब मिलके वही खा लेंगे। एंड शाम को आज शायद हम लोग जाएंगे भी वो चाय वाला लंदन है ना वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि टिनी को आज 3 मंथ्स कंप्लीट हुआ है, तो सुनीता ने बोला है कि तुम सब लोग आना, तुम लोग कुछ खाओगे तो नहीं बस साथ में एटलीस्ट चाय वगैरह पी लेंगे एंड उसका एक छोटा सा 3 मंथ्स का बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो कर लेंगे। तो बस यही है, यहाँ पे ये मखाने फ्राई रोस्ट कर रही हूँ,
तो थोड़ा सा 2-3 मखाने खा के मैं 1 कप चाय पीऊंगी ना, थोड़ा एनर्जी आ जाएगा मेरे अंदर। अभी मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हरी चटनी बना ली है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, देन अदरक एंड थोड़ा सा नमक, नींबू का जूस ऐड करके चटनी बना ली है। एंड यहाँ पे अदरक मैं काट रही हूँ आलू की सब्जी में एंड सामक के चावल में यूज़ करूँगी। ज़्यादा कुछ मसाला तो यूज़ नहीं होता है व्रत वाले खाने में, अदरक यूज होता है तो अदरक थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया है। एंड वहाँ पे आलू एंड टमाटर इक्वल क्वांटिटी में काट के रखा है आलू की सब्जी के लिए, तो अदरक को यहाँ पे थोड़ा सा मैं कूट के ले रही हूँ। एंड इसके साथ में काली मिर्च भी ऐड कर दूँगी। व्रत में लाल मिर्च का तो यूज़ नहीं होता है, हरी मिर्च एंड काली मिर्च का यूज़ होता है, तो काली मिर्च थोड़ा सा कूट के लेने से अच्छा फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले मैं आलू की सब्जी बना लूँगी। तो बर्तन में मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच देसी घी, घी गर्म हो जाए, इसमें जीरा एंड कुटा हुआ अदरक एंड काली मिर्च, वो हल्का सा उसको भून लेंगे। देन इसमें मैं ऐड करूँगी करी पत्ता एंड जो हरी मिर्च को स्लिट करके लिया है वो मैं ऐड कर दूँगी। देन इसमें मैं ऐड कर दूँगी छोटे छोटे पीसेस में काट के जो रखे हैं आलू की, उसमें वो ऐड कर दूँगी मैं। तो बस आलू को हल्का सा यहाँ पे भुनने के लिए मैं छोड़ दूँगी मसाले के साथ में। तो ये 2 बड़े साइज़ के मेरे पास बर्तन है स्टेनलेस स्टील के, एंड कुछ मेरे पास मिट्टी के बर्तन है जो मैं व्रत में यूज़ करती हूँ, बट मिट्टी के बर्तन थोड़े से छोटे साइज़ के है, जब ज़्यादा क्वान्टिटी में थोड़ा बनाती हूँ तो ये वाले बर्तन में यूज़ करती हूँ। तो बस इसी में ही मैं बना रही हूँ। एंड यहाँ पे आलू को भुनने के लिए अभी मैं छोड़ दूँगी थोड़े टाइम के लिए, तब तक यहाँ पे मैंने कुछ आलू जो है और मैंने बॉईल कर लिए थे, जो कुरकुरे आलू बनाएंगे ना उसके लिए, तो उसके यहाँ पे छिलके मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे किसी ने कल कमेंट किया था कि आप तो बोल रहे थे आप बर्तन अलग रखते हो तो आप सेम एयर फ्रायर का कैसे यूज़ कर रहे हो, तो उसे मैंने ये बोला था कि जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करती हूँ। यहाँ पे रेंटेड फ्लैट में तो मतलब बर्तन में अलग रख सकती हूँ, बट अप्लायंसेस में 2-2 नहीं रख सकती ना। जैसे कोई कोई बोलता है कि सेम गैस स्टोव का यूज़ मत करो, सेम एयर फ्रायर का यूज़ मत करो, सेम फ्रिज का यूज़ मत करो, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि मैं अप्लायंसेस भी अलग अलग रखूँ। तो जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। एंड माता रानी माँ सबकी मतलब मन की बात समझती है, अब दिल से पूजा करते हैं बस। तो जो भी भूल चूक हो रही होगी माता रानी क्षमा करें। तो बस यही जैसे हमसे हो पाता है उतना हम लोग करते हैं। एंड यहाँ पे आलू को ऐसे मतलब करीब 70-80% बॉईल कर लिया था, तो उसको मैं पीसेस में छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लूँगी। जैसे मैंने कल बताया था ना दिल्ली साइड में जीत के घर पे जैसे आलू को ऐसे काट के घी में फ्राई करते हैं, तो फ्राई करने की जगह मैं एयर फ्राई करूँगी। तो तब तक यहाँ पे जो आलू की सब्जी के लिए आलू भी थोड़े से भुन गए थे, तो टमाटर मैंने ऐड कर दिया है। तो ज़्यादा मसाला वगैरह तो यूज़ नहीं होता, तो थोड़ा सा टैंगी रहता है ना सब्जी तो अच्छा लगता है, तो इसलिए टमाटर मैंने ज़्यादा ऐड किया है। कहीं कहीं पे टमाटर भी नहीं खाया जाता है, बट हमारे यहाँ पे टमाटर खाया जाता है तो मैंने ऐड किया है। एंड यहाँ पे वो करारे आलू के लिए हल्का सा ऊपर से मैंने घी ऐड किया, नमक, काली मिर्च एंड हरी मिर्च छोटे छोटे पीसेस में काट के रखे थे वो ऐड किए। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी एंड उसको मैं एयर फ्राई करूँगी। बहुत ही करारा बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है, तो बिना उसको घी में फ्राई किए मस्त बन जाता है ये एयर फ्रायर में। तो उसको मैंने रख दिया है साइड करके। एंड यहाँ पे टमाटर भी पूरा गल गए थे, तो अभी मैं ऐड कर दूँगी पानी। तो इसमें ये वाली सब्ज़ी मैं थोड़ी सी मतलब ज़्यादा पतली रखती हूँ, जिसको ऐसे पसंद है सूपी सूपी टाइप का, तो इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा पानी ऐड कर दिया है, धनिया पत्ता ऐड कर दिया। अभी मैं उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी जब तक आलू गल ना जाए। यहाँ पे आलू गलने के बाद हल्का हल्का इसको मैं तोड़ दूँगी एंड ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए, नहीं भी तोड़ो तो भी चलेगा, बट हाँ अच्छा लगता है थोड़ा सा आलू तोड़ने में ऐसे। तो बस ऊपर से थोड़ा सा और धनिया पत्ता जो है वो ऐड कर दूँगी, तो आलू की सब्जी बन के रेडी है। सामक चावल के लिए मैंने सेम बर्तन का यूज़ किया है जिसमें मैंने मखाने जो है वो रोस्ट किए थे, तो इसमें घी ले लिया है। देन इसमें जीरा ऐड कर दिया थोड़ा सा, वही कुटे हुए अदरक एंड काली मिर्च, हरी मिर्च थोड़े से काट के लिए हैं, कड़ी पत्ता, नमक एक्चुअली उस टाइम पे मैंने जो ऐड किया था बखाने के लिए वही थोड़ा सा रखा हुआ है, मतलब वही उसमें लगा है। एंड ये है सामक के चावल, तो उसको मैंने भिगो के रखा था थोड़े टाइम के लिए पानी में, आधे घंटे के लिए। ये सूजी की तरह पतले पतले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं सूजी की तरह, तो उसको मैंने हल्का सा यहाँ पे मैं भून लूँगी घी के साथ में, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छा आए।
ये भुनने के बाद देन इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। तो जितना आपने सामक चावल लिया है ना, उसका करीब 3 times आपको पानी ऐड करना है, क्योंकि ये मतलब ठंडा होने के बाद ना काफ़ी ड्राई हो जाता है, थोड़ा ड्राई ड्राई लगता है। एंड ये चावल आप अगर बना रहे हो ना, या तो आप ज़्यादा घी डाल के बनाओ, नहीं तो पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखो, नहीं तो ये काफ़ी ड्राई ड्राई लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा बस, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक था। ऊपर से मैंने पानी में थोड़ा सा घी ऐड किया है ताकि चावल जो है वो थोड़ा सा अच्छे बने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसे रखा है ताकि ये ठंडा होने के बाद मतलब बिल्कुल ड्राई ना हो, थोड़ा सा सूखा, मतलब थोड़ा सा अच्छा रहे, थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट रहे चावल। ये भी समा के चावल जो है ये बन के रेडी है। पनीर मैं लेके आई थी, तो पनीर को बस हल्का सा सॉटे करूँगी, तो उसको ऐसे ही मैं काट रही हूँ। एंड इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बस हल्का सा नमक ऐड करूँगी। वैसे भी पनीर हल्का सा आप घी में सॉटे करते तो अच्छा लगता है, तो बस इसमें हल्का सा मैंने वो व्रत वाला नमक जो है, रॉक सॉल्ट जो है, वो मैंने ऐड कर दिया है, तो उसको भी मैं साइड कर दूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा घर भी मैंने सेट कर दिया है, मतलब आंटी जी आएंगे तो मैंने घर थोड़ा सा सेट कर लिया था। एंड यहाँ पे माता रानी हमारे बैठी हुई है, तो यहाँ पे इस बार जॉब भी होपफुली अच्छे आएंगे मेरे। एंड ये एयर फ्रायर में मैंने हल्का सा घी जो है वो ग्रीस कर लिया है, ताकि आलू जो है उसमें चिपके नहीं। तो थोड़ा सा मैंने पहले आलू जो डाल दिया है भोग लगाने के लिए, एंड यहाँ पर थोड़ा सा पनीर मैं सॉटे कर रही हूँ। पहले मैं भोग लगा लूँगी, देन फिर मैं हमारे लिए बनाऊँगी। यहाँ पर हल्का सा बस सॉटे कर लूँगी। तो ये हो गया आज का थाली रेडी माता रानी का, सामक के चावल, आलू सब्जी, मखाने, थोड़े से कुरकुरे आलू, पनीर, एंड ये है मैंगो शेक। थोड़ा सा बस दूध मैंगो ब्लेंड कर दिया है, एंड ऊपर से थोड़े से मैंगो। शेरा वाली माता पल्ला जी ने आन फड़िया, उड़ती पतंग वांगू अरे छत चढ़िया। रोगी काया दे माया दे साया दे, निरोगी काया दे मान दे सम्मान दे, सुख दे समृद्धि दे, ज्ञान दे शांति दे, शक्ति दे भक्ति दे, आशीर्वाद भरपूर दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, जीत अर्चना हनि बनी भर, कृपा भरपूर कर, तन्मय देवी का सोम हर्षिता, सब पे अपनी कृपा बनाए रख। जय माता, जय माता दी। यानी आपने लिखा है, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, हरे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। ओम त्र्यंबके मैया, पार करो से भक्ति नैया, और नहीं मुझे कोई सहारा, मैया जी मैं दास तुम्हारा, शरण पड़ेगी आपको, पूर्ण करो हमारे चिंत पूर्णी मां हमारी, जय 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 मां तुम्हारी, जय कारा शेरा वाली मैया, बोल साचे दरबार की जय। नमक तो भोग तो लगा लिया था, अभी हमारे लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म
यहाँ पे पनीर, वहाँ पे एयर फ्रायर में आलू डाल दिया है एंड यहाँ पे जीत का बन रहा है मैंगो शेक, मैंगो दूध और थोड़ा सा आइसक्रीम डाल के। सारी दुनिया दी, सारी दुनिया दी, सारी दुनिया दी मंग ले तू खैर, जय जयकार हो जू बंदिया, काली मैया जी दे फड़ ले तू पैर, जय जयकार हो जू बंदिया। और ये आया जीत का मैंगो शेक। आज तो फास्ट तो क्या ही बोलो इसको, तो इसको पार्टी आज मतलब पूरा मस्त फास्ट का फीस्ट। रुक जाओ, एक साथ ले लेंगे, अरे एक साथ ले लेंगे। हनी बनी ने मेरे लिए और जीत के लिए ईद कार्ड बनाया, देखिए ईद मुबारक, और देखो क्या लिखा है, बच्चे बड़े हो गए। उसने देखो सच्ची वो बता दी कि सिमोली हेल्प अस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। कोशिश करिए बात करने की। हैप्पी बर्थडे टू टिनी, टिनी 3 months old। कैलकटा जाना है, देखो घूमने जाना है, तो हम लोग अभी आए हैं चाय वाला लंदन। टिनी का बर्थडे क्या हुआ बच्ची, कहाँ जाना? देखो देखो स्माइल की, देखो कहाँ जाना? हाँ इधर टिंडी है, आपसे बात टिंडी है। ओ ओ मम्मा, देखो हंस रही है, बात करने की कोशिश कर रही है। नानी अच्छे आते थे, बोली मम्मा पिटाई करती है, देखो कैसे मम्मा प्यार करती है। सबसे पहले क्या बोलेगी, क्या बोलेगी टिन्नी, क्या बोलेगी? ओ ओ आज तो पूरा पैक का। टिनी को गर्मी लग रही है तो पंखा किया जा रहा है उसको। महारानी सो रहे हैं, पंखा सेवा में हम हैं। अरे मजा आ रहा है इसको, सभी एक जना झूला झुला रहा है, एक जना पंखा दे रहा है, हाँ एक जन बातें कर रहा है, एक बातें कर रहा है, एक पंखा कर रहा है, एक झूला झुला रहा है। क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, बातें करो ना उसके साथ, बड़ी खुश होती है। ये सच में बारिश शुरू हो गई, बारिश थोड़ी थोड़ी। छोटी माता रानी को गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, हवा दे रहे हैं तो इसको मजा आ रहा है। अब बड़ी माता रानी हवा कर रही है, बहुत खुश हो रही है। शान भी अपना ताकत लगा, शान भी इसमें ताकत नहीं लगानी है। हाँ शानवी को देखो, बनी को उठा रखा है, और इधर टिन्नी मैडम, टिन्नी मैडम को कौन उठाएगा हनी? सो गाइस हो गया सबका मिलना, हमने साथ में आरती किया एंड डिनर भी किया साथ में, सब लोग चाय पिए। राहुल भैया कल ही आए इंडिया से, हाँ कल ही आए इंडिया से, तो मिल भी लिया। आंटी घर पे आए थे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सब लेके आए, सारा लेके आए। ये कुछ पैनकेक मिक्स है, तो हनी बनी बोल रहे हैं कल वो खाएंगे। माता रानी की चुन्नी, बाल गोपाल का ड्रेस, अगरबत्ती, ये है ऑर्गेनिक जो टी, ग्रीन टी, ये हनी बनी के जुराब, चिक्की, ये जो तिल के लड्डू, ये हनी बनी के गम्मीज, और फ्रूट्स लेके आए थे जो कि मैंने वो माता रानी के पास में रख दिया है, ये सारा आंटी लेके आए थे। तो यहाँ पे अभी माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप लोग, तो बस अभी मैं लाइट ऑफ कर लूँगी, मतलब ये वाले जो लाइट है ना ये ऑफ कर देती हूँ, बाकी रात में बस ये वाले लाइट ऑन रहते हैं। एंड हाथ पैर धो के अभी अखंड ज्योत जो है वो थोड़ा सा वो बाती जो है ऊपर कर लूँगी, मतलब रात में एक बार बस मैं उठ के चेक करती हूँ, जीत उठ के एक बार चेक करते हैं, सुबह उठ के बस नहा के हम लोग वो कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा अखंड ज्योत है ना तो इतना कुछ वो नहीं होता है, अच्छे से रहता है। एंड ये आंटी जी तो खुद से लिख के, आंटी जी बहुत अच्छा लिखते, सबके बर्थडे पर वो खुद से लिख के भेजते हैं,
कि पूरा जो लिख के लेके आया ना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आंटी एक ऐसी है, मतलब जब शुरू शुरू में देविका तन में से हम लोग मिले थे, फिर आंटी आए, मतलब उनसे मिल के ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग किसी नए उससे मिल रहे, वो मतलब हमारे साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है। तन्मय देविका का जो मतलब इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उनकी बहुत हेल्प कर लेती है, घर पूरा संभाल लेती है, कुछ भी ऐसे पॉटलॉक की पार्टी हो खाना बना के ले आते, मतलब हर चीज़ में वो मतलब अच्छे से वो हो जाती है, घुल मिल जाती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक मतलब एक बहुत पॉजिटिव वाइब। उनके साथ में आप बैठोगे बात करोगे ना, बहुत पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें बताएगी कि बेटा ये करो बेटा वो करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है, कल तो आंटी नहीं आएंगी, कल उनका क्लास है तो वो कल वो नहीं आ पाएंगे, आज उनका क्लास नहीं था तो वो आ गए, तो आई थिंक हम लोग सैटरडे को मिलेंगे बस। लास्ट टाइम मतलब फिर बच्चों के स्कूल मंडे से ओपन हो जाएंगे तो फिर इतना मिलना नहीं हुआ, अभी तो छुट्टियां चल रही तो चलो चाय पे मिल लो, ये कर लो वो कर लो, लेट उठना होता है चलता है, बट फिर संडे से जल्दी सोना है बच्चों को, 8:30-9 बजे तक वो सो जाएंगे। तो चलिए गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मेरे चिंबा वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। बेबो कैसे नहीं दिखाऊं, ये रही मेरी गुड़िया, ये रही मेरी प्रिंसेस। चलिए गाइस, बाय बाय, जय माता दी।